प्रीता नाम की एक लड़की रहती थी जो बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है, जिसे करण नाम के एक लड़के से बहुत प्यार होता है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन करण और प्रीता की शादी हो जाती है। फिर शादी के बाद करण प्रीता को अपने साथ घर ले आता है, जिसे देखकर करण की माँ राखी बहुत खुश हो जाती है और उसे बहुत सारा प्यार भी देती है, जिसे देखकर प्रीता भी बहुत खुश हो जाती है। फिर प्रीता अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभाल लेती है, जिसे देखकर प्रीता की सास प्रीता को एक बेटी की तरह मानने लगती है। ऐसे ही समय बीतता है, तब एक दिन घर के सभी लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी प्रीता अपनी सास राखी से कहती है, माँ जी आपको पता है मुझे बचपन से ही बंदूक चलाने का बड़ा शौक है, जिसे सुनकर घर के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब राखी कहती है, क्या मजाक कर रही हो बहू, भला बंदूक चलाना भी कोई बच्चों का खेल है? तब प्रीता कहती है, जी माँ जी बंदूक चलाकर तो मैंने बहुत सारे सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं। तब करण कहता, पर प्रीता तुमने तो मुझे इसके बारे में पहले कभी नहीं बताया। फिर प्रीता कहती, मुझे भी अचानक से याद आया, और हंसते हुए अपने कमरे में चली जाती है। और फिर अगले दिन प्रीता अपनी सास राखी से कहती, माँ जी मुझे बंदूक चलाने का बड़ा मन कर रहा है और मुझे भी चेक भी करना था कि कहीं मैं बंदूक चलाना भूल तो नहीं गई। तब राखी कहती, हाँ हाँ बहू क्यों नहीं, तुम चेक कर लो। तब प्रीता कहती, ठीक है माँ जी, पर आप एक काम करोगे मेरे लिए, आप अपने सर पर तरबूज रख लो, मैं उसी को अपना निशाना बनाती हूँ। जिसे सुनकर राखी कहती, क्या बहू तू हमका जान से मारना चाहती है? फिर प्रीता बोलती, नहीं माँ जी भला मैं ऐसा क्यों करूँगी। तब राखी कहती, तो फिर ऐसी बात क्यों कर रही हो, मैं नहीं रखूंगी तरबूज चाहे कुछ भी हो जाए। तभी प्रीता कहती, माँ जी आपको कुछ नहीं होगा, मुझ पे विश्वास रखिए। थोड़ी देर बाद राखी मान जाती और एक तरबूज को अपने सर पर रख लेती। फिर उसे थोड़ी देर बाद प्रीता उसको निशाना बनाती और उसे तोड़ देती। तभी वहाँ करण आता है और राखी की ऐसी हालात को देखकर प्रीता पर वो भड़क जाता है और उसे कहने लगता है, प्रीता ये तुम क्या कर रही हो, ये तुम्हारे कोई खेल का मैदान नहीं है बल्कि ये हमारा घर है। आज तुम्हारे बचपने की वजह से अगर माँ को कुछ हो जाता तो। तभी राखी कहती, बेटा तुम परेशान मत हो, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तब करण कहता, प्रीता आज के बाद तुम कभी भी बंदूक चलाने के बारे में सोचना भी नहीं। जिसे सुनकर प्रीता करण की बात मान जाती और फिर कहती है कि आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। फिर तीनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसी मजेदार और इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।